गगा थाना क्षेत्र के अहरौली गांव में सोमवार की देर रात एक मनबड़ युवक द्वारा की गई फायरिंग में युवती को गोली लगने के मामले में गगहा पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आरोपी सहित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान संत देव यादव पुत्र रमानंद यादव और फागू साहनी पुत्र टासू साहनी निवासी ग्राम अहरौली थाना गगहा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अहरौली गांव में विवाद के दौरान शराब के नशे में धुत युवक द्वारा तमंचे से फायरिंग की गई थी, जिससे एक लड़की को गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को उसके साथी समेत थाना क्षेत्र असवन पार पुल के पास से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। गिरफ्तार करने वाली टीम में गगहा थानाध्यक्ष राज प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक कुंवर गौरव सिंह प्रधान यादव, हेड कांस्टेबल बैजनाथ यादव, कांस्टेबल दीपू कुंवर थाना नंदलाल गौड़, विनीत यादव, विजय कुमार यादव, अनिल पांडे शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ये एक घटना हुई थी 26/10/2020 को अहरौली गांव में। रात में एक गोली चली थी और जिसमें एक महिला थी उसको हाथ में चोट लग गई थी, जिससे मतलब फायरिंग से चोट लगी थी। तो उस संबंध में अपराध पंजीकृत किया गया था थाना गगहा में, क्राइम नंबर 710/20 अंडर सेक्शन 307 504 506 IPC का। इसमें दो अभियुक्त थे, संतदेव यादव और फागुन साहनी, ये दोनों उस समय फरार हो गए थे। इनको थानाध्यक्ष राम गगहा और इनकी टीम द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया कल मिलने पे, और गिरफ्तारी से इनके साथ जो उसने कट्टा अभी जो प्रयुक्त किया गया था वो कट्टा बरामद किया। वो शराब पी के आपस में लड़ रहे थे और उसी का विवाद था उसमें, दो यादव पक्ष ही दोनों थे, लेकिन एक तीसरे जो तमाशबीन थे उसको गोली लगी थी। पहले भी इनका कोई आपराधिक इतिहास है? इनके पहले के भी आपराधिक इतिहास है, कई इसमें क्राइम लिखा गया है। जो ये संतराज यादव है, इसके कई आपराधिक इतिहास हैं।